हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो हम लोग भारत का भौतिक विभाजन या जिसको फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, या जो क्या कह सकते हैं ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोग हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और आइलैंड्स यानी द्वीप समूह पढ़ते हैं। तो जिसमें हम लोग अगर बात करें तो हमारी जो अभी तक हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं, अगर हम बात करें तो हम लोग हिमालय को पढ़ चुके हैं, उत्तर भारत के मैदान को पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कल उसकी एक मतलब क्या कहते हैं परसों उसको ख़त्म किया था, और उसी से रिलेटेड हमने क्या कहा था कि जैसे कि हमने जब पहले पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने आपको जैसे हिमालय पढ़ाया था, तो मैंने फिर लास्ट में जब हिमालय ख़त्म हुआ तो हिमालय ख़त्म होने के बाद मैंने उसमें क्या है हिमालय की जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियाँ या जितनी भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ थी उसकी अलग से एक दो क्लासेस ली थी, ताकि उसमें सारी जो चोटियाँ हैं वो कवर हो जाए स्टेट वाइज। इसी तरीके से जो प्रायद्वीपीय पठार है तो प्रायद्वीपीय पठार पर भी जितनी बहुत सारी चोटियाँ हैं, श्रेणियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, जिनको हम लोग कर रहे थे, कल हमने स्टार्ट किया था और स्टेट वाइज हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने गुजरात में बताई कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, महाराष्ट्र में बताई कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कर्नाटक में बताई कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु में बताई आपको कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ऐसे ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं भारत की जो सॉरी प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ एवं श्रेणियाँ, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग है दोस्तों। अगर हम बात करें क्या हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है, तो हम बात करें अगर तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या भारतीय प्रायद्वीप जो भी आपने लिखा हो, प्रायद्वीपीय भारत या भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण श्रेणियां, पहाड़ियां और चोटियां हम लोग ये पढ़ रहे हैं, है ना, कि महत्वपूर्ण श्रेणियां, पहाड़ियां, चोटियां, और कैसे पढ़ना है, स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं ना, स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु तक की कल हमने की चोटियां पढ़ाई थी, आज हम लोग उससे पहले पढ़ाए थे। बट मैंने कल जब लास्ट में ख़त्म किया था तो मैंने आपसे कहा था कि अभी हमको कुछ इंडिपेंडेंट जो है साउथ के जो डीप साउथ में कुछ इंडिपेंडेंट पहाड़ियां एवं पर्वत पढ़नी है, जैसे नीलगिरी पर्वत है। तो नीलगिरी पर्वत किसी एक स्टेट में है नहीं, सबसे पहली बात तो यह है, इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट हम लोग पढ़ेंगे, किसी स्टेट के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जैसे कि अगर हम बात करें उसका विस्तार दोस्तों, केरल, तमिलनाडु और क्या कहते हैं ये कर्नाटक, ये तीनों राज्यों में, ठीक है। तो इस और इसी तरीके जैसे अगर हम बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कार्डमम पहाड़ी, ये जो पहाड़ियां हैं किसी एक स्टेट में नहीं विस्तृत है, ये दो या दो से अधिक स्टेट में विस्तृत है, इसी वजह से इनको हम लोग इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो शुरू करेंगे टॉपिक, हमने कल कहा था कि कल हम लोग शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले लेंगे नीलगिरी पहाड़ी को। किसको लेंगे सबसे पहले, मैंने आपसे कहा था हम तो हम पढ़ेंगे तो क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं इसको, ठीक है, नीलगिरी पर्वत, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं बता रहा हूँ जितना मैं बता दूंगा उससे ज़्यादा आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप बहुत डीप से इसमें बहुत कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। अब तक आप बस यही पढ़ते आएंगे कि इसकी सबसे ऊँची चोटी है, कौन से राज्य में, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पता होगा। और ठीक है, और मैं आप बता दूं यहाँ पे जो कोर्स जो चल रहा है, जो सीरीज ये चल रही है, ये जो UPPCS है या UPSC का जो प्री कम मेंस का जो कोर्स है, ये उसके लिए चल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको जब मैं ये कोर्स ख़त्म होगा तब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्वेश्चन जैसे मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा और जैसे कि कुछ PT के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो क्योंकि PT बहुत दूर है तो मैं अभी इसको कोर्स पहले कर लेता हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे वहां पे, फिर हम लोग दोस्तों कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो बट सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे ये सारी, तो इसके लिए आप बेफिक्र होकर आप आराम से पढ़ते रहिए, आपका कोई बहुत डीप से ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। आप खुद ही सोचिए कि मैं हर क्लास हर टॉपिक में कम से कम 5 से 6 क्लास 40-40 मिनट की ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम खाली डीप में, बहुत ज़्यादा डीप में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में, तो अगर हम बात करें नीलगिरी पर्वत के बारे में, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये पर्वत है कैसा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इस पर्वत का ये टाइप कैसा है।
तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया था कि हिमालय जो है वो एक बलित पर्वत है यानी मोड़दार पर्वत है या फोल्ड माउंटेन है। जैसे फिर हमने बताया अरावली जो है वो भी एक बलित पर्वत है, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने आपको जैसे विंध्यन पढ़ाया तो उसके बारे में मैंने बताया वो कैसा माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंशोध पर्वत जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, या जिसको खंड पर्वत भी हिंदी में बोलते हैं। फिर इसी तरीके मैंने सतपुड़ा आपको पढ़ाया था, तो सतपुड़ा किस तरीके का पर्वत है, तो वो भी कैसा है, ब्लॉक पर्वत है यानी खंड पर्वत या भ्रंशोध पर्वत। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें नीलगिरी जो है, नीलगिरी क्या है दोस्तों, यह लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ, यह एक भ्रंशोत, अब मैं इसके दो तीन शब्द लिख दे रहा हूं, भ्रंशोत खंड या ब्लॉक, कुछ भी लिखा हो आपको एक ही बांधना है, ठीक है। ये तीनों चीज एक ही है, भ्रंशोत खंड ब्लॉक, ये तीनों चीज एक ही है, ठीक है। यह एक भ्रंशोत खंड ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। अब मैंने आपको बताया है कि जो भ्रंशोत या खंड पर्वत होता है वो कैसे बनता है, तो मैंने जब आपको विंध्यन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लीजिए कोई ये एक, अब इसको सीखना है पहले, ये मान लीजिए कोई एक लैंड फॉर्म्स है, ठीक है, ये कोई उठा हुआ भाग है। अब इसमें होता क्या है कि मान लो किसी कारणवश दोस्तों क्या होता है, इसमें दरार पड़ जाती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अब वो कई रीजन होते हैं बट जान लो कई कारणवश दरार पड़ जाती है। अब दरार टूटने की वजह से क्या होता है, या तो क्या हो जाए इसमें का, जैसे ये टूटा तो क्या हुआ, इसका कुछ भाग या तो क्या हो जाए, ये जो नीचे जो बीच वाला पर्वत है, या तो ये नीचे खसक जाए, बीच वाला अगर नीचे खसक जाएगा, जैसे मान लो ये टूटा इस तरीके से, मान लो टूटा और जो जैसे ये इतना टूटा, अब ये टूट के जैसे तो क्या हो जाए, नीचे आ जाए इस तरीके से, तो अब ये इस तरीके के नीचे आ गया, अब ये वाला तो नीचे आ गया जो बीच का है, ये ऊंचा हो गया भाग, यानी ये इससे ऊंचा भाग हो गया, तो इसी को जो ऊपर उठा हुआ भाग बोलते हैं इसको खंड पर्वत। या ऐसी स्थिति बन जाए कि मान लो ये टूटा, ये जो बीच वाला भाग वहीं रुक गया और जो जो बगल के भाग है वो नीचे चले गए, तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग फिर ये खंड पर्वत हो जाएगा। तो इसकी कई कई स्थितियां बनती है, जब इसमें हम जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब भ्रंश घाटी, तो उसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी ये जान लो, बस इतना समझ लो कि खंड पर्वत क्या होता है, ठीक है। मैंने बता दिया कि कोई प्लेट है, अब जैसे उसमें क्रैक पड़ा तो क्या हुआ, या तो उसका कोई बीच वाला भाग या तो धस जाए नीचे, जब नीचे बीच वाला भाग नीचे धसेगा तो अगल बगल भाग क्या होगा, वो ऊंचा हुआ दिखे, ऊंचा उठा हुआ दिखेगा, तो उसी को खंड पर्वत, या तो क्या हो वो क्रैक हो, और क्या हो दोस्तों, जो दो बगल के जो पार्ट है दाएं या बाएं के वो नीचे चले जाए और बीच वाला भाग उठा रह जाए, तो भी वो ब्लॉक पर्वत बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जान लेना है, तो ये ब्लॉक पर्वत है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या जानना है, अब ये जानना है, यह कर्नाटक केरल केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत, तीनों राज्यों में है, ठीक है, एवं तमिलनाडु में विस्तृत है, ठीक है, ये तीन स्टेट में कवर करता है। तो ये एक तरीके से तो ट्राई जंक्शन भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, यह पूर्वी एवं पश्चिमी घाट इसको समझ जाए, या पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मध्य के बीच संपर्क लिंक का कार्य भी करता है, संपर्क लिंक, अभी इसको समझेंगे, संपर्क लिंक का कार्य करता है, मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये गुजरात का स्टेट प्ले, इस छोटा सा मैं आपको यहाँ बना के समझाता हूँ, ठीक है, ये जैसे ये है हमारा साउथ वाला एरिया, तो मैंने बताया कि था क्या दोस्तों, क्या कि जैसे कि ये क्या होता है, ये पूर्वी घाट होता है, सॉरी ये पश्चिमी घाट होता है, इधर से ये इस तरीके से कटा छटा कुछ तरीके पूर्वी घाट होता है, और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मध्य में यहाँ पे इस तरीके ये छोटा सा है ना, ये नीलगिरी पर्वत होता है। तो नीलगिरी क्या कर रहा है, ये पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दोनों को जोड़ने का कार्य करता है,
ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि यह पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के बीच संपर्क लिंग का कार्य करता है, यानी इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। संपर्क लिंग मतलब जोड़ने का कार्य करता है। तो देखो ये देख भी रहा आपको, जोड़ने का कार्य करता है। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं तो जैसे मैं खाली इसको पूर्वी, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होता है, ये होता है नीलगिरी पर्वत। अब ये दोनों के बीच जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये दोनों के बीच क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। ठीक है, बात बस देखो पढ़ने का मतलब क्या है कि आप जो लिखेंगे उसको फिर साथ में समझेंगे भी, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। फिर इसके बाद याद क्या करेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डोडा बेटा, डोडा डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा, डोडा बेटा डबल है ना, डोडा बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो डोडा बेटा, और एक चीज ये भी याद रखना है कि यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलो एक पॉइंट इसमें लिख लो, इसको ऐसे करके एरो बना के इसमें एक पॉइंट लिखो, यह दक्षिण भारत की, लिखो यह दक्षिण भारत की दूसरी, पहली नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने लिखा है क्या है, दूसरी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, यह दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। डोडा बेटा क्या है दोस्तों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और यह डोडा बेटा जो है यह है कहां पर दोस्तों, तो यह तमिलनाडु में। फिर दूसरा स्टेट क्या लिखना है इसके बारे में, डोडा बेटा के बारे में, यह तमिलनाडु में स्थित है, कहां, तमिलनाडु में, लिख लेना, यह कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये दो, ये हो गए दोस्तों क्या है, डोडा बेटा के बारे में, डोडा बेटा के बारे में दो चीजें याद रखना है कि ये सबसे पहली बात तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरा ये याद रखना कि ये दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची है ना, ये याद रखना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, तमिलनाडु, ठीक है, और ये तमिलनाडु राज्य में। तो नीलगिरी पर्वत में इतने पॉइंट अभी आपके क्लियर हुए, ठीक है, फटाफट इसको लिखें, मैं फिर मिटाल के आगे मैं आपको फिर और चीजें बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक, तो चलो अब हम मिटालते हैं इसको, आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको लिखना शुरू करते हैं। ओहो, नीलगिरी पर्वत ही मिटल गया, चलो अभी फिर से मिट लिख देंगे, ठीक है। इसमें ठीक है, नीलगिरी हम लोग नीलगिरी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, नीलगिरी पर्वत, तो ये बात हो गई। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे यह भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भारत का, भारत का पहला ज्योमंडलीय, ज्योमंडल मंडलीय, ज्योमंडलीय आरक्षित, आरक्षित क्षेत्र कब बना था, 1996 में, यह भारत का पहला ज्योमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। तो याद रखना है कि भारत, देखो ये जो पॉइंट है ये आप जब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे, जब ज्योमंडलीय आरक्षित क्षेत्र को जब पढ़ेंगे तब हम तब फिर से उसको पढ़ेंगे, बट मैंने यहाँ पे इसको इसलिए लिखा दिया है क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है नीलगिरी पर्वत के बारे में इंडिपेंडेंट, तो नीलगिरी पर्वत के बारे में अगर इंडिपेंडेंट भी अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसमें 50-60 वर्ड में, अगर आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने को आता है, UPPCS मेंस में शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं 50-60 वर्ड्स में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है।
तो ये याद रखना है कि यह भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कब बना था, 1996 में। ठीक है, इस चीज को बारे में आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। सेकंड पॉइंट इसमें और एक पॉइंट लिखना है, ऊटी हिल स्टेशन जो कहां पर है दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो तमिलनाडु में है ऊटी हिल स्टेशन इसी पर स्थित है। ठीक है, इसी पर स्थित है। सारे पॉइंट मैंने इतने इंपॉर्टेंट लिखाए हैं जो आपसे हमेशा क्वेश्चंस पेपर में आते रहे, आप उठा के पेपर देख लीजिएगा, आपको इस क्वेश्चन जितना मैंने नीलगिरी पर्वत के बारे में पढ़ा, नीलगिरी पर्वत में इससे ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन मिले तब आप उससे बताइएगा, बल्कि मैंने आपको इतना ज्यादा बताया है कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये बुक्स में भी नहीं मिलेगा, आपको किसी बुक्स में आप पढ़ के देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऑप्शनल लेवल में जब आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलता है, बट मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें दे रहा हूँ ताकि आपका क्या है मेंस ओरिएंटेड सबसे ज्यादा आपको चलना है यहाँ पे, याद रखना है चीजों को डीप में पढ़ना है और फिर आपके आराम से कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से इसको बना ले जाएंगे। तो ये हो गई दोस्तों नीलगिरी पर्वत के बारे में जानकारी। ठीक है ये याद रखना है, ये बात हो गई नीलगिरी पर्वत के बारे में, तो इसको लिख लिया होगा तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम अगली जो चोटी है पहाड़ी है, ठीक है, अगली तो पहाड़ी ही है दोस्तों, चोटी ये पर्वत नहीं है, वो दूसरी है दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी, ये सब डीप साउथ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी इसकी बात करें तो क्या है दोस्तों, ये कहां पे फैला है सबसे पहले, या केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है, या केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। ठीक है, फिर इसमें लिखना है अनाईमुडी, मैं डिफरेंट पेन से लिख रहा हूं उसको, अनाईमुडी। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, ऊंचाई में देख लो एक सेकंड जी इसकी। ठीक है ना, अनाईमुडी जो कहां पर है, ब्रैकेट में लिखो केरल। ठीक है, अनाईमुडी जो कहां पर है दोस्तों, केरल। क्या है इसके बाद, फिर याद रखना है अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिण भारत की भी, अब लिख, ठीक है, जो दक्षिण भारत की भी, भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की, अनाईमुडी, जो कहां पर स्थित है, अन्नामलाई में। याद रखना है, नीलगिरी कभी मत लगाना, बहुत से लोग कंफ्यूजन होकर अन्नामलाई अनाईमुडी को नीलगिरी लगा कराते हैं, नहीं, अन्नामलाई पर स्थित अनाईमुडी है जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण भारत की दूसरी, और कहां पर है ये, केरल में, याद रखना है अनाईमुडी, है ना, अनाईमुडी। और याद रखना है कि जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, वो तो डोडाबेट्टा है ना, डोडाबेट्टा। ठीक है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये हो गई दोस्तों बात अन्नामलाई पहाड़ी की। अब नेक्स्ट जो पहाड़ी है दिख रहा है ना, ये सब अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके बारे में, अनाईमुडी के बारे में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो है कार्डमम पहाड़ी, जो नेक्स्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वो है कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, लिखते चलेंगे साथ साथ, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिख करा रहा हूं मैं आज, हर चीज जो मैं लिखाता हूं वो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कई बार। ठीक है, तो आपको अब जो नेक्स्ट पहाड़ी है वो याद रखना है कार्डमम या इलायची पहाड़ी, इलायची
ठीक है, ये क्योंकि पहाड़ी लिखा भी होता है, कार्डमम या इलायची पहाड़ी, ठीक है, ये मेन हेडिंग है। सबसे पहले लिखना है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है यह केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु देखो ये सारे स्टेट दो से ज़्यादा में है, इसीलिए मैंने किसी एक स्टेट में नहीं लिखाया था, आप समझ रहे ना, यह केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है, इसीलिए इनको अलग से मैंने कराया है, ठीक। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यह पहाड़ी मसाला उत्पादन के लिए, मसाला मसाला यानी दोस्तों गरम मसाला, खाने वाला नहीं, पान गुटखा मसाला नहीं, जवा केसरी जो चल रहा है आजकल, है ना, वो नहीं, मसाला मतलब जो सब्जी में डाला जाता है, ठीक है, या पहाड़ी मसाला उत्पादन के लिए, मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है, अगस्ता मलाई पहाड़ी, चलो छोड़ो हटाओ, अगस्ता मलाई तो मैंने लिखा ही दिया ना तमिलनाडु में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो कार्डमम के बारे में ये बात हो गई, तो कार्डमम की इलायची पहाड़ी है, या इलायची पहाड़ी जो क्या है, या केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है, यह पहाड़ी मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये बात हो गई, इतनी बात इसके बारे में, ठीक है। इसमें और भी चीज़ है, जैसे रबर है, कौवा है, कहवा, कहवा मतलब बोलते हैं इसको, ठीक है, मसाला है, ये सारी चीज़ें उत्पादन के लिए, इसीलिए मैंने उसमें लिखा भी दिया है मसाला उत्पादन के लिए, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी डीप साउथ की, डीप साउथ की जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियाँ थी, पहाड़ियाँ थी, पर्वत थी, मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट जितनी थी, ये यहाँ से जितना मैंने अभी कराया है, आप पेपर उठा के देखिएगा, कई बार ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया है, ठीक है, कई बार पूछा गया आपसे, ठीक है, और सारा कुछ मिल जाएगा आपसे, एक भी चीज़ें नहीं छूटेंगी, ठीक है, एक सिस्टम में देखो हमारा क्या है, मैं मेरा एक तरीका है, मैं सिस्टम में पढ़ाता हूँ चीज़ों को, आपको सिस्टम में देखो पढ़ते समय जब आप एक बार खुद ही आप फील करेंगे, जब आपके नोट्स बन जाएंगे ज्योग्राफी में, और जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे, तो आपको हर चीज़ एकदम सिस्टम में मिलेगी, आपको पढ़ने में मन लगेगा, आपका चीज़ें एकदम ठीक रहेंगी, ठीक है। देखो अब हमारी दोस्तों हम लोग कल डीप साउथ में कर लिया था, और कल मैंने आपको आज डीप साउथ की हो गई, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु का, कल मैंने देख ही लिया था, हम लोग शुरू करे थे, देखो अगर हम बात करें तो हम लोग जैसे कि बात करें, जैसे प्रायद्वीपी पठार की अगर हम बात करें, तो ये इस तरीके से फैला हुआ है, कुछ इस तरीके से हमारे भारत में ये दोस्तों क्या है, प्रायद्वीपी पठार इस तरीके से फैला हुआ है, तो हमने कल इधर से शुरू किया था, गुजरात से लेकर ये सारा कुछ, तो हमने कल तमिलनाडु तक की जो चोटियाँ थी वो देख ली थी, तमिलनाडु तक की, गुजरात से हमने महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर इसके बाद तमिलनाडु, फिर आज हम लोगों ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में विस्तृत जितनी महत्वपूर्ण चोटियाँ थी वो देख ली। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है इसके ऊपर वाला आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो अब हम लोग आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण जितनी भी जो हैं चोटियाँ, श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ जो उसमें हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको हेडिंग रहेगी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश ऐसा डालो, बस स्टेट डाल दो आंध्र प्रदेश, उसके अंदर को अंतर्गत कौन कौन सी है, तो देखो फर्स्ट इसमें देखना है, मैं इसको इसमें अभी आपको डायग्राम ही बनवाऊंगा, फर्स्ट इसमें जो आपको याद रखना है कि अरोया कोंडा, ठीक है, अभी आप लिखेंगे मेरे साथ साथ, फिर मैं आपको मैप, हाँ जिसके पास एटलस है वो एटलस खोल के देख बैठेंगे, आप पहले एटलस खोलेंगे, अरोया कोंडा चोटी, ठीक है, अरोया कोंडा चोटी, और ये याद रखना है मैप में आपको हर एक चोटी की ऊंचाई याद करते नहीं फिरना है, ठीक है, नहीं तो आप फिर याद करते रहेंगे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जो बहुत जैसे दक्षिण भारत की है, तो आप आज कहाँ आपका टास्क भी है, तो आप दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका दोस्तों आपको जो ऊंचाई है एटलस में दी हुई है आप उसको ढूंढ के लाएंगे, ठीक है, आप उसको लिखेंगे अपने में खुद से मेंशन करेंगे। दूसरा इसमें याद रखना है अरोया कोंडा के बाद नल्ला मलाई, वहां पे मैंने अन्ना मलाई पढ़ाई थी, यहां पे कौन है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई पहाड़ी, ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ी। तीसरा दोस्तों, तीसरा इसके बाद जस्ट जो आपको देखना है वो है
वेलिकोंडा, वेली वेली कोंडा, सारा कोंडा कोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में मिलेगा। वेंडा वेलिकोंडा श्रेणी, ठीक है, वेलिकोंडा श्रेणी। चौथा जो है वो सेसाचलम पहाड़ी है। सेसाचलम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पुष्पा मूवी आई थी झुकेगा नहीं, है ना, वो यहीं पर है, इसी इसी पहाड़ी से चंदन चुरा चुरा ले जाता है, सेसाचलम, ठीक है, सेसाचलम पहाड़ी। इसके बाद याद रखना है पांचवा, पालकोंडा श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, ठीक है, ये श्रेणी है, ठीक है, पालकोंडा श्रेणी, हाँ श्रेणी है ना, इसको कंफर्म कर रहा था क्योंकि पहाड़ी और श्रेणी में थोड़ा याद रखना है क्योंकि श्रेणी बड़ी रेंज होती है और पहाड़ी छोटी रेंज होती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और छठा जो है नगारी, नगारी पहाड़ी है, नगारी पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी। तो ये छः हैं जो क्या है आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ी बात अब ये याद रखना है कि जो भी चोटियां मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले आपको ये याद रखना है जितनी भी पहाड़ियाँ हों, रेंज हो, जो स्टेट वाइज मैं लिखा रहा हूँ उनका क्रम लिखा रहा हूँ मैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी मैंने लिखाई है, जितनी पीछे लिखाई है, जो अभी लिखा रहा हूँ या जो बाद में लिखाऊंगा, उनका एक क्रम रहेगा। या तो वो आपको पश्चिम से पूरब का क्रम मिलेगा या तो उसका उत्तर से दक्षिण क्रम मिलेगा। तो मैं ऐसा नहीं कि जो उत्तर वाली पहाड़ी उसको ऊपर लिखा दिया, जो दक्षिण सॉरी जो ऊपर वाली पहाड़ी है उत्तर में है वो दक्षिण में लिख दी, सबसे नीचे लिखा दिया, और दक्षिण वाली सबसे ऊपर पहाड़ी, नहीं। मैं आपको ये याद रखना है हमेशा, मेरे नोट्स में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि मेरा नोट्स जो लिखवा रहा हूँ मैं, जो पहाड़ियाँ या चोटियाँ जो श्रेणियाँ में लिखा रहा हूँ स्टेट वाइज, वो आपको क्रम में मिलेगी। या तो उनका क्रम पश्चिम से पूरब का क्रम लिखा होगा या तो उत्तर से दक्षिण का क्रम लिखा होगा। दो क्रम मैं फॉलो करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये याद इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको काम आएगा। मान लो कभी आप पेपर में पढ़ रहे हैं, पेपर में, तो आपको अगर नोट्स में मान लो आपको नहीं क्रम याद भी आ रहा, तो आपको नोट्स अगर याद आ गया कि हमारे नोट्स में इस क्रम में चीज़ें लिखी थी, तो आपको बस उसी क्रम में चीज़ें अगर मिल जाती वहां तो आप लगा दीजिएगा। ये एक तरीका है दोस्तों, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद है। तो ये अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्रम है, अगर हम इसकी बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ये अगर हम बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको दिखेगा। जैसे कि अगर हम बात बनाएं, डायग्राम बनाएं इसका, देखो जैसे कि आप देखो बनाता हूं मैं यहां पे, तो यहां पे जो जैसे मैं देखो आंध्र प्रदेश आपको इस तरीके से फैला हुआ मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से ये इस तरीके से फैला हुआ मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये फैला हुआ मिलेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश देखो डायग्राम में देख लो, तो आपको यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे इस जगह पर आपको यहाँ पे अरोया कोंडा मिलेगा, अरोया कोंडा, अरोया कोंडा। अब मैप जब खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, चोटी है इसी तरीके बनी होगी। अरोया कोंडा के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे फैली हुई, ऐसे फैली हुई है ना, ऐसे फैले हुए, ये आपको नल्ला मलाई पहाड़ी मिल जाएगी, नल्ला मलाई पहाड़ी, ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ी, ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ी। फिर इसी के जस्ट बाद यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे वेलिकोंडा मिल जाएगी, ठीक है, वेलिकोंडा, 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 ठीक है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको सेसाचलम मिलेगी, देख लीजिएगा आपको सब मिल जाएंगी जो मैं बना रहा हूँ ना, आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगी सेसाचलम, ठीक है। फिर सेसाचलम के बाद इसके जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी आपको पालकोंडा, पाल कोंडा। और फिर यहाँ पे आपको ये यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नगारी मिलेगी, नगारी। और आप अगर आपको यकीन ना हो, अगर आपको देखना है तो मैप में देख लीजिएगा, सेम वैसे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको चाहे तो आप इस तरीके से बना लें या आप एटलस में ढूंढ बना लें, सबसे बड़ी बात तो पहले आपको उसको बनाएंगे इसी तरीके से, और दूसरी चीज़ आप इसको एटलस में भी ढूंढेंगे,
आपका काम है ये कि आप एटलस में भी ढूंढेंगे। और मैंने फिर से कहा है कि आपको याद करने का बस एक ही तरीका है याद रखने का, कि इसको ऐसे ना पढ़ें कि लिखा हुआ अरोया कोंडा, नल्ला मलाई, वैली कोंडा, फिर सेसाचलम, पाल कोंडा, नगारी, रट रहे हैं इस तरीके। नहीं, ये छोटे बच्चों वाला तरीका छोड़ दीजिए, ये जो सेकेंड क्लास में फर्स्ट क्लास में करते थे, नहीं ऐसा नहीं करना। करना क्या है कि एक रफ लेना है, उसमें बार बार आपको लिखना है, और जितनी चीज़ें क्रम में याद आती है याद कर लीजिए, लिखिए। पहले तो सारी जितनी भी छः की छः हैं, सबसे पहले याद रखें कि आंध्र प्रदेश में छः पहाड़ियाँ हैं, छः चोटियाँ पहाड़ियाँ हैं, उनको लिखना शुरू करना है। कौन कौन सी याद आ रही वो लिखना है, और कौन सी नहीं याद आ रही उसको फिर से पढ़ के फिर लिखना है। और जब तक पूरी याद ना हो जाए, फिर जब याद हो जाए तो फिर दूसरा काम क्या रहेगा, दूसरा स्टेज क्या रहेगा, इनका क्रम याद रखना, इनका क्रम में लिखने की कोशिश करना, और क्रम में लिखने की कोशिश करना, और जब ये याद हो जाए तो दो चार बार फिर से अपने आप से लिखना, लिखने की प्रैक्टिस करते रहना, और बस याद हो जाएंगे। और एक बार याद हो गई दोबारा कभी मत भूले, कभी भूलेंगे नहीं, पेपर में हमेशा क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये हो गई हमारी आंध्र प्रदेश की बात, ठीक है। अरोया कोंडा, नल्ला मलाई, वेली कोंडा, सीसाचलम पहाड़ी, पालकोंडा सेड़ी, नगारी सेड़ी, ठीक है, पहाड़ी, तो ये हो गई, ठीक है। सेसाचलम दोस्तों झुकेगा नहीं, पुष्पा मूवी है ना जो आंध्र प्रदेश में ही है, ये वहीं की, इसी से दोस्तों वो क्या करता है, बार बार हेरा फेरी करता है यहीं से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला जो स्टेट है पहले हम उसको पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे झारखंड। इसके पहले, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के ऊपर जो स्टेट है उसको पढ़ लेते हैं, कौन है, उड़ीसा, उड़ीसा है ना, उड़ीसा। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है गरजात पहाड़ी, गरजात पहाड़ी, ठीक है, गरजात पहाड़ी। इसके बाद सेकंड जो है मलयगिरी चोटी, मलयगिरी पर्वत, मलयगिरी पर्वत का नाम आप सुने हो, ठीक है, ये उड़ीसा में। थर्ड जो है असई, असई पहाड़ी, असई पहाड़ी, एक और इसमें है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड, ठीक है, असई पहाड़ी से, नहीं असई नहीं, इसके ऊपर पहले लिखो टिकर पारा, टिकर पारा, ठीक है, क्रम में लिखना सबसे जरूरी है, टिकर पारा पहाड़ी, ठीक है, फिर है असई पहाड़ी, असई पहाड़ी, फिर इसके बाद पांचवा है महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये पांच के पांच आपको याद रखना है, ये पांचों भी आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम मिलेगा, ये भी आपको जो है ये उत्तर से दक्षिण का ही क्रम है। तो मैंने बता दिया आपको, मैं हमेशा क्रम में चीज़ें, जब आप मैप ढूंढेंगे, एटलस ढूंढेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखा हुआ है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, और वो भी उत्तर से दक्षिण का ही क्रम था, ठीक है। तो गरजात पहाड़ी, मलयगिरी पर्वत, जैसे आप देखेंगे तो आपको गरजात पहाड़ी यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, फिर मलय पर्वत इसके जस्ट बाद में, फिर यहीं पर टिकर पारा, यहाँ पे चोटी इस तरीके से मिल जाएगी, फिर असई, फिर आपको ये जो है ये क्या कहते हैं असई, असई भी आपको यहीं पे छोटा सा मिल जाएगा ये इस तरीके से यहाँ पे, और फिर महेंद्रगिरी आपको यहाँ बॉर्डर पे मिलेगा, एकदम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको किनारे पे तट के पास में आपको महेंद्रगिरी पर्वत मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा कुछ आपको ढूंढना है। देखो मैं आपको खुद हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। आप मैप में एटलस में देखेंगे तो आपको स्टेट वाइज जो एटलस होता है, जो भारत का जो स्टेट वाइज शुरुआत में, ठीक है, अलग से दिया हुआ, गुजरात का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, इस तरीके से अलग अलग से दिया होता है, उसमें ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों उड़ीसा की बात, कौन कौन सी है, तो गरजात पहाड़ी, मलयगिरी पर्वत, टिकरपारा पहाड़ी, असई पहाड़ी, महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है उड़ीसा के बाद, उड़ीसा के बाद नेक्स्ट जो है उड़ीसा के बाद इसके जस्ट बगल वाला हम पहले पढ़ लेते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी हैं, तो इसमें रामगढ़ पहाड़ी सबसे पहले याद रखना है, रामगढ़ है ना, रामगढ़ गांव सोले, ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी, ठीक है। सेकंड जो है इसमें, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड जो है इसमें, इसमें याद रखना है बेलाडीला, बेलाडीला
पहाड़ी, ये भी ये याद रखना है। बेलाडीला जो ये माइन भी है, ठीक है, ये एक माइन भी है। जब हम लोग इसको, जब हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे, जब खनिज संसाधन पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको बेलाडीला को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना है बेलाडीला। इसके बाद देवडी मुंडा, देव देव देवड़ी देवड़ी मुंडा, देवड़ी मुंडा, ठीक है, देवड़ी मुंडा, देवड़ी देवड़ी मुंडा है ना, देवड़ी मुंडा, ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेलाडीला, देवड़ी मुंडा और रामगढ़ पहाड़ी, ये हो गए दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगी, ये आपको रामगढ़ जो सो छत्तीसगढ़ में सबसे ऊपर मिलेगा नॉर्थ में, और देवड़ी मुंडा और बेलाडीला सबसे साउथ में डीप में आप देखेंगे मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये मैं आपको हिंट देते रहूँ। इसके बाद आपको झारखंड लिखना है, इसके बाद सबसे, ठीक है, झारखंड। झारखंड में कौन कौन सी है, तो ऊपर आप देखेंगे राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी है, ठीक है, ये याद रखना है। और फिर इसके बाद जस्ट बाद पारसनाथ पहाड़ी है। ये दोनों भी इतना बड़े बड़े अक्षर में लिखी हुई है ना कि आप आराम से ढूंढ लेंगे इन दोनों को। ये दोनों पहाड़ियाँ इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई हैं। और राजमहल पहाड़ियाँ मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ाया था, कब, जब हम आपको मेघालय का पठार पढ़ा रहे थे, तो ठीक है, तब मैंने लिखाया था, पहला ही पॉइंट लिखाया था कि जो मेघालय की जो जो मेघालय का पठार है, ये राजमहल पहाड़ियों का ही विस्तार है। आप जब पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो मुझे याद है मैंने लिखाया है, ठीक है, राजमहल पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, तो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, इनको आप ढूंढ लेंगे। और ये नॉर्थ से साउथ का ही क्रम है, ये भी नॉर्थ से साउथ का क्रम है। मैंने क्या बताया कि जितने भी जो पहाड़ियाँ और चोटियाँ मैं लिखा रहा हूँ, या तो उनका क्रम आपको पश्चिम से पूरब होगा, या तो उत्तर से दक्षिण। और जो दक्षिण भारत की जितनी भी चोटियाँ हैं, याद एक बात याद रखो, दक्षिण भारत की जितनी भी चोटियाँ हमने पढ़ाई या सीढ़ियाँ या पहाड़ियाँ, उनका सारा क्रम जो है, उन सबका क्रम जो है वो उत्तर से दक्षिण का लिखाया है। उनका सारे का क्रम जो है मैंने आपको उत्तर से दक्षिण का लिखाया है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मैंने आपको चाहे तो वो लिखाया हो, गाविलगढ़ हो, अजंता हो, सतमाला हो, कलसुबाई हो, हरीश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर, ये सारी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण का क्रम है। फिर मैंने आपको कर्नाटक में पढ़ाया है बाबा उदन की पहाड़ी, मुलयानगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, ये भी उत्तर से दक्षिण का क्रम। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है, क्या कहते हैं, तमिलनाडु में जावेदी पहाड़ी, जिंजी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालिनी पहाड़ी, ठीक है, वर्षोनानंद पहाड़ी, अगस्ता मलाई पहाड़ी, ये सारी क्या हैं, उत्तर दक्षिण का क्रम है। इसके बाद फिर मैंने आपको आंध्र प्रदेश में पढ़ाया अरोया कोंडा, नल्ला मलाई पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको वेलिकोंडा पढ़ाया, फिर सेसाचलम पढ़ाया, फिर पालकंडा पढ़ाया, फिर नगारी पहाड़ी पढ़ाया, आज अभी पढ़ाया, ये भी उत्तर से दक्षिण क्रम है। फिर मैंने उड़ीसा में पढ़ाया गरजात पहाड़ी, मलयगिरी पर्वत, टिकरपरा पहाड़ी, असई पहाड़ी, और फिर इसके बाद जो लास्ट है असई पहाड़ी के बाद जो लास्ट मैंने लिखाया है, क्या लिखाया है, ठीक है, असई पहाड़ी, टिकरपरा, असई, और हाँ महेंद्रगिरी पहाड़ी, ये जो है उड़ीसा में। इसके बाद अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ पढ़ाया मैंने, छत्तीसगढ़ में रामगढ़, बेलाडीला और देवड़ी मुंडा, ठीक है। इसके बाद हमने झारखंड पढ़ाया, क्या बताया, झारखंड में आपको राजमहल पहाड़ी और पारसनाथ पहाड़ी। एक बचा गुजरात, गुजरात में मैंने आपको क्या पढ़ाई थी दोस्तों, मांडव पहाड़ी, गिर पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, चार चार पहाड़ी लिखाई थी, जिसमें मैंने आपको तीन लिखाया था, चौथा मैंने लिखा था गिरनार पहाड़ी, और मैंने वर्धा पहाड़ी और मांडव पहाड़ी, ये सब मैंने आपको लिखाया। तो ये कुल मिला के क्या हुआ दोस्तों, आपका उत्तर दक्षिण उत्तर, ये क्या हुआ, प्रायद्वीपीय जो पठार है या प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ श्रेणियाँ पहाड़ियाँ जो भी कह लें, आपको सब लिखा दिया, स्टेट वाइज करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार पूरी तरीके समापन। देखो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा, इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार में तीन महत्वपूर्ण दर्रे थे जो मैंने पश्चिमी घाट में ही पढ़ा दिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकुट्टा, चार जो क्या थे दोस्तों, जो क्या कहते हैं ये दर्रे थे, मैंने पढ़ा दिए और उनका स्टेट भी लिखा दिया था पश्चिमी घाट में जब पढ़ा रहा था। इसके बाद बचा उसमें महत्वपूर्ण चोटियां एवं पर्वत जो मैंने आज पढ़ा भी। अब इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार में कुछ नहीं, अब प्रायद्वीपीय पठार में बचा दोस्तों नदियां, जो नदियों का टॉपिक अलग से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम अलग से प्रायद्वीपीय पठार की अलग से नदियां पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें भी हम लोग नदियां पार्ट की पढ़ते हैं, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, ठीक है। तो ये एक अप्रोच होता है चीज़ों को पढ़ने का, अच्छे तरीके से सिस्टम में पढ़ेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी, आपको अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपका आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसका,
ठीक है दोस्तों। तो आपको इसी तरीके का अप्रोच रखना है हर टॉपिक को पढ़ते समय। ज्योग्राफी बहुत सिस्टम में पढ़ा जाता है, अदरवाइज ज्योग्राफी इसलिए थोड़ा टफ लगता है। अगर आप उसको सिस्टम में नहीं पढ़ेंगे तो आपको टफ लगेगा, क्योंकि एक ही साथ में कई चीज़ें इसमें रहती हैं। इसको अलग से हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें आसान लगेगी, और हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही होता है। आप उसका अप्रोच अगर पकड़ लेते हैं एक बार कि इसको पढ़ना किस तरीके से, आपको वो सब्जेक्ट जो है वो आसान लगने लगता है। लोगों ने उसको टफ, हर सब्जेक्ट को टफ बना दिया है। क्यों? क्योंकि उस पर रिसर्च नहीं करते, उस पर काम नहीं करते सब्जेक्ट पे, आके सीधे आके बस चिल्लाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, पढ़ाने का नॉलेज हर किस, देखो आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपके पास नॉलेज होगा, ये नहीं, जो पढ़ाने आ रहा है यहाँ उसके पास नॉलेज है, ये गारंटी है दोस्तों। बट अप्रोच किस तरीके का आपका पढ़ाने का, अप्रोच सबसे बड़ा मैटर करता है। नॉलेज हर किसी के पास होता है। अगर आप किसी ने 2 महीने 4 महीने किसी सब्जेक्ट पे दिया है तो भाई जाहिर सी बात उसके पास नॉलेज होगा, और ऐसा नहीं है। बट ये है कि उसका अप्रोच सबसे मैटर करता है, अप्रोच किस तरीके का आपका पढ़ाने का, तो अप्रोच पे काम करना है। और दूसरी चीज़, पीपीटी वालों से दूर रहना, मैंने आपसे कह दिया। ज्योग्राफी पे जो ज्योग्राफी जो आपको पीपीटी पढ़ा रहा है वो आपको बर्बाद कर रहा है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो फैक्चुअल हैं तो आपको ठीक है चल रहा है। हिस्ट्री जैसे, हिस्ट्री भी दोस्त क्या होता है आजकल जो हम देख रहे हैं कि YouTube पे क्या करते हैं, PPT लेकर आते हैं, वो लगा देते हैं और बस पढ़ते चले जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक वो कथा नहीं चल रही है, बच्चे देख सुन रहे हैं और वो कथा चल रही है उधर से, तो वैसा नहीं करना है। थोड़ा माइंड सेट अपना चेंज कीजिए, उस PPT की जमाना छोड़िए, आराम से जो उस टीचर से आप पढ़िए जो आपको नोट्स बनवाता हो, आपसे अच्छा बोर्ड पे मेहनत करता हो, खुद से कुछ चीज़ें कराता हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसा करता हूँ तो इसीलिए आप करिए, नहीं, आपको जहाँ इस तरीके की चीज़ें मिले आप वहाँ जाके पढ़िए, आपको कंटेंट जहाँ अच्छा मिले वहाँ जाके पढ़िए। PPT आपके पास धरी की धरी रह जाएगी, वो कभी काम नहीं आएगी, ना आप कभी पढ़ पाएंगे, ना आपको फोटो कॉपी निकलवा रख जाएंगे, आप रख लेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे नहीं। बट जब एक बार टीचर आपको समझाता है, कॉन्सेप्ट बताता है, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, आप पेपर में वही काम आता है, PPT काम नहीं आती, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ की मेरी बात को गांठ में बांध के रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, हजारों का लोग जो क्या कहते हैं पेपर दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका अप्रोच अगर क्या होता है ना टीचर का, अगर आप पढ़ाने का आपको, तो आप जल्दी आप चीज़ों को कैच कर पाते हैं, आपको टाइम आपका वेस्ट नहीं होता, नहीं अदरवाइज वो आगे चल के आपको वही करना है, 2 साल बाद जब आप भटक लेंगे तो आपको फिर वही करना है, फिर आपकी बुद्धि काम आएगी, फिर आप उस अप्रोच में जाएंगे तो फिर आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो बट उससे पहले आप अभी से सुधर जाएं, अपने अप्रोच को बदलें, पढ़ने का तरीका बदलें, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है उसको देखने की कोशिश करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, सारी चीज़ें करते चलें ताकि आप अच्छे से कर पाएं, ठीक है चीज़ों को। तो चलिए हम आज का लेक्चर दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों आपसे आप पे भरोसा तो कर ही सकते हैं कि आप दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, बताएं किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद।